हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, क्लैश ऑफ क्लैन में 3 नया अपडेट आ चुका है, जिसमें कि पहला अपडेट है यहाँ पे अप्रेंटिस बिल्डर का। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या इसे परचेज करना यूजफुल होगा और क्या इस पर आपको अपने जेम्स स्पेंड करना चाहिए। लेकिन इससे पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि COC में आने वाले सारे नए अपडेट्स के बारे में आपको पता चल सके। तो दोस्तों, अप्रेंटिस बिल्डर के लिए सबसे पहले आपको अपने शॉप में आ जाना है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अप्रेंटिस बिल्डर का एक ऑप्शन होगा। तो इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं, इसके बारे में दिखाया जाता है कि कैसे वर्क करेगा और इसका क्या फंक्शन होगा। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले इसे परचेज कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये अप्रेंटिस बिल्डर के स्पीड को फास्ट करेगा, लेकिन कितना फास्ट करेगा ये इसके लेवल पे डिपेंड करेगा। तो इसे परचेज करने के लिए आपको 500 जेम्स देने होंगे और इसके लेवल इंक्रीज करने के लिए आपको और एक्स्ट्रा जेम्स देने होंगे। लेकिन अगर आप इसे जेम्स ना देकर पैसे से खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको फिर से आपके शॉप में आ जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 269 रुपये में ये बिल्डर आपको मिल जाएगा। यानी कि इसके लिए आपको 269 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो यहाँ से भी आप बड़े आसानी से इसे परचेज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं साफ मना करूंगा कि इसे आप पैसे देकर बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि अप्रेंटिस बिल्डर कोई एक्स्ट्रा बिल्डर नहीं है, बल्कि जो एग्जिस्टिंग बिल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर ये उनके स्पीड को इंक्रीज करने वाला है। अप्रेंटिस बिल्डर को परचेस करने के बाद आप अपने टाउन हॉल पर जैसे ही क्लिक करते हैं, वहाँ पे एक अप्रेंटिस बिल्डर का ऑप्शन आता है। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो आपका अपग्रेड हो रहा है वो यहाँ पे शो करेगा। और अगर आप इसे असिस्ट करना चाहते हैं अप्रेंटिस बिल्डर के द्वारा, तो आप बड़े आसानी से असिस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब देखिए, यहाँ पे मैं इसके सेकेंड लेवल करने वाला हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सेकेंड लेवल करने के लिए 750 जेम्स चाहिए होगा, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल के लिए 1000 जेम्स। ऐसे करके आपको मैक्सिमम लेवल करने के लिए आपको 6500 जेम्स देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप अपने बेस को रश करना चाहते हैं, तो आप इसे बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि इससे जेम्स का वेस्ट होगा। और अगर आपके पास बहुत सारा जेम्स है, तो आप इसे एक लेवल तक खरीद सकते हैं, क्योंकि ये कोई एक्स्ट्रा बिल्डर नहीं है, बल्कि ये बिल्डर को असिस्ट करता है और उसके साथ मिलकर उसके हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे सारे बिल्डर्स बिजी हैं, और यहाँ पे मैं बिल्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे बिल्डर अप्रेंटिस का ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ असिस्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, और अप्रेंटिस बिल्डर 1 घंटा काम करेगा और उसके बाद 23 घंटा आराम करेगा। मतलब कि पूरे दिन में 23 घंटा ये आराम करेगा और सिर्फ 1 ही घंटा काम करेगा। तो दोस्तों, ये सबसे बेकार अपडेट होने वाला है। इससे अच्छा कि आप अपने बिल्डर को स्पीड करने के लिए यहाँ पे बिल्डर पोशन खरीद सकते हैं, जो आपको क्लेनवर लीग में मेडल मिलता है उससे आप खरीद सकते हैं। या फिर आपके पास 2 और ऑप्शन है, जिससे कि आप बिल्डर पोशन बड़े आसानी से खरीद सकते हैं और उससे आप 10 गुना स्पीड बढ़ा सकते हैं अपने बिल्डर्स का। इसके लिए यहाँ पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हाउस टाइप का बना हुआ है, उस पर आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप सुपर ट्रूप स्पॉटलाइट वाले मेडल से भी अपने बिल्डर पोशन को बाय कर सकते हैं और अपने बिल्डर को 10 गुना स्पीड से फास्ट कर सकते हैं, और इसके लिए आपको एक भी जेम सस्पेंड नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपका टाउन हॉल 16 मैक्स है या आपके पास बहुत सारा जेम्स है, तभी अप्रेंटिस बिल्डर को अनलॉक करें, नहीं तो ये आपके लिए बहुत ही बेकार होने वाला है। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं क्लैश ऑफ क्लैन के दूसरे सबसे बड़े अपडेट के बारे में। तो दूसरे अपडेट में मिलने वाला है एक डार्क ट्रूप, जिसका नाम है ड्रुइड। तो चलिए देखते हैं कि इस ट्रूप का क्या फायदा होने वाला है। इस ट्रूप को अनलॉक करने के लिए डार्क बैरक को 11 लेवल का करना होगा, उसके बाद ये ट्रूप अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये ट्रूप बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और इस ट्रूप का एक और खासियत है कि ये ट्रूप बियर में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि ये ट्रूप कितना पावरफुल होने वाला है और इसके क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले इसे अनलॉक करना होगा। तो ये रहा हमारा डार्क बैरक, जो कि अभी 10 लेवल का है। तो सबसे पहले इसको अपग्रेड करके 11 लेवल का करना होगा। तो डार्क बैरक को अपग्रेड करने के लिए 13 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन मैं इसे हैमर से अपग्रेड करने वाला हूँ और इसे 1 सेकेंड में अपग्रेड हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको अपग्रेड कर लेते हैं, और ये हमारा न्यू ट्रूप अनलॉक हो चुका है और इसे अब मैक्स लेवल कर लेते हैं। लेकिन इसे मैक्स करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 14 दिन और 16 दिन का टाइम लगने वाला है, जो कि अभी भी मैक्स नहीं हुआ है। मैं इसे जेम्स देकर जल्दी जल्दी से फिनिश कर देता हूँ और इसके मैक्स लेवल को एक्टिवेट कर लेता हूँ। उसके बाद देखते हैं कि ये ट्रूप कितना पावरफुल होने वाला है। क्या हाउसिंग स्पेस 16 है और मूवमेंट स्पीड भी इसका ठीक ठाक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अब मैंने एक साइड से सारे ड्रुइड को डाल दिया है। तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ 5 ड्रुइड। तो आप देख सकते हैं कि ये बढ़िया अटैक कर रहा है अभी तक। तो सबसे पहले इसका काम होता है कि ये सारे ट्रूप्स को हील करता है। जो भी ट्रूप्स इसके सामने होता है, उस ट्रूप को पहले 30 सेकेंड तक हील करता है, और हील करने के बाद जब इस पे डिफेंसेज अटैक करने लगते हैं, तो ये खुद को एक बियर में कन्वर्ट कर लेता है। तो हम दिखाने वाले हैं दोस्तों कि कैसे ये खुद को एक बियर में कन्वर्ट कर लेता है।
और उसके बाद और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो ये बेस हमारा 14 लेवल का है जो कि चैलेंज से लिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीएल में कन्वर्ट हो चुका है। तो दोस्तों ये ट्रूप बहुत ही पावरफुल होने वाला है, आप इसे बिल्कुल अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसका टाइम थोड़ा ज़्यादा है, मतलब कि इसे अपग्रेड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और साथ ही डार्क इलेक्जर भी बहुत ज़्यादा लेने वाला है। लेकिन ये ट्रूप बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, तो आप इसे वार में भी यूज कर सकते हैं और 3 स्टार के लिए क्लेन वार लीग में भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल ये सेकेंड अपडेट बहुत ही काम का होने वाला है और इसे आप ज़रूर अपडेट करें। उसके बाद अब चलते हैं क्लैश ऑफ क्लैन के थर्ड और सबसे लास्ट इवेंट के बारे में। तो दोस्तों ये लास्ट इवेंट स्ट्रीक इवेंट का है और इसमें आपको बहुत सारे रिवार्ड्स मिलने वाले हैं। इसमें डेली एक चैलेंज दिया जाता है और उसे आपको कंप्लीट करना होता है और उसके बदले आपको रिवार्ड दिया जाता है। साथ ही इस इवेंट में कुछ कंडीशन भी होते हैं, जैसे कि आपको डेली एक ही चैलेंज मिलेगा और उसको आपको कंप्लीट करना होगा और जितना बड़ा आपका स्ट्रीक बनेगा उतना ज़्यादा आपको रिवार्ड्स मिलने लगेंगे। और अगर आप किसी भी चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा जेम देकर फिर से शुरू से चैलेंज को कंप्लीट करना होगा। लेकिन इस इवेंट में एक अच्छा बात यह है कि अगर आप नेक्स्ट डे वाले चैलेंज के लिए वेट नहीं करना चाहते हैं या फिर आप सारे चैलेंज को जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा जेम्स देने पड़ेंगे। और अगर आप एक्स्ट्रा जेम देते हैं तो आपको नेक्स्ट डे वाला चैलेंज भी फिर से एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद वाला भी एक्टिवेट कर सकते हैं ऐसे जेम देकर, और चैलेंज को बहुत ही आसानी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद हर चैलेंज के बाद आपको एक नया रिवार्ड मिलेगा जिसमें कि सारा बोनस का रिवार्ड होगा, मतलब कि आपको जो स्टार बोनस डेली मिलता है उसमें कि आपको इंक्रीजमेंट मिलेगा देखने के लिए। और ये इवेंट 3000 शाइनी ऑर्ब्स के साथ खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इस इवेंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें।